सनसिटी जोधपुर शहर में कोरोना के कहर के बीच अब एक नई मुसीबत आन पड़ी है। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। आज से मेडिकल कॉलेज के 400 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर आंदोलन पर उतर गए हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि परीक्षाओं को समय पर आयोजित करवाया जाए। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसएस राठौर को ज्ञापन सौंपकर आज से आंदोलन शुरू कर दिया है। वो आज और कल दो दिन काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद 16 मई तक एक घंटे तक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र ने बताया कि हमारी प्रमुख मांग पीजी बैच 2018 की परीक्षा तय समय पर करवाना या अतिरिक्त टाइम देते हुए सभी को प्रमोट करने की है। इसके साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर की इन सर्विसेज को 3 साल के बाद रेजिडेंट अवधि को वन टाइम एग्जाम मानकर एकेडमिक सीनियर रेजिडेंट्स में काउंट करने के आदेश जारी करने की है। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स के वेतन वृद्धि की भी मांग लंबे समय से बाकी है, लिहाजा इसको भी पूरा किया जाए। वहीं कोरोना संक्रमण वार्ड में ड्यूटी के बाद 7 दिन का आइसोलेशन शामिल किया जाए। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र ने कहा कि फिलहाल तो हमारा आंदोलन सांकेतिक तौर पर शुरू किया जा रहा है, लेकिन अगर 16 मई तक मांगे नहीं पूरी की गई, तो मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पिछले 1.5 महीने से हम सरकार के लगातार संपर्क में थे कि हमारी जो मांगे हैं उनको माना जाए। हमें कोई भी किसी भी तरह की कार्य बहिष्कार या किसी भी काली पट्टी इनका विरोध नहीं करना पड़े, लेकिन सरकार ने पिछले 1 महीने से कुछ भी नहीं सुना। तो मैं मजबूरन ने ये पूरे स्टेट में डिसाइड किया है कि 2 दिन का हमारा काली पट्टी के साथ विरोध प्रदर्शन रहेगा, उसके बाद में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो हम स्टेट RDA में डिसाइड करके आगे की रणनीति स्पष्ट करेंगे। हो सकता है हमें कोई कठोर कदम उठाना पड़े। अब ये हमें करना क्यों पड़ रहा है? एक्चुअली हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है अभी मई में, लगभग 2018 बैच का, और ये 3 साल हमें 3 साल बाद में हमें डिग्री मिल जाती है। लेकिन इस बार कोविड के कारण गवर्नमेंट हमें डिग्री भी नहीं दे रही और ये एक्सटेंशन भी कर रही है। मतलब कोरोना में काम करने का हमें एक पनिशमेंट मिल रहा है कि जो 3 साल में डिग्री होनी चाहिए थी वो 3.5-4 साल में कर रही। हम कह रहे हैं सरकार को कि हमें जहाँ काम लेना है, JR SR कुछ भी काम लेना है, लेकिन हमें एज ए प्रमोट किया जाए, हमारी डिग्री कंप्लीट 3 साल में होनी चाहिए। आपको बता दें, जोधपुर में कोरोना संक्रमण के हालात भयावह हैं। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे संक्रमित शहर बना हुआ है। अगर रेजिडेंट्स हड़ताल पर जाते हैं तो यहां की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। पंजाब के सीटीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।